यादव को लेकर के कहा जाता है कि यादव अमीर है, यादव हमेशा लड़ते रहता है, जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो यादव लड़ने के लिए तैयार रहता है। यादव लोग भी 35% गरीब है। बिहार में कोई गरीब है तो मुसहर जाति के लोग हैं, जो जितना मांझी के समाज से आते हैं वे लोग सबसे ज़्यादा गरीब है। 54%, ध्यान से सुनिएगा, 54% केवल मुसहर जाति के लोग गरीब है। स्वर्ण समाज में 100 लोगों में 75 लोग अमीर है, 25 लोग गरीब है। बिहार में जाति आधारित गणना के रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों के पेट में ये बात का दर्द था कि आर्थिक गणना का रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश किया जा रहा है। वो दिन अब ख़त्म हुआ और आर्थिक गणना का जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हो चुका है, और हम आपको लाइन बाय लाइन से जाति से लेकर के, वर्ग से लेकर के, हर धर्म के बारे में भी लगभग बताएंगे कि किस धर्म, किस जाति के लोग कितने गरीब है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनमें कितने परसेंट गरीब लोग हैं। तो स्वर्ण समाज में 100 लोगों में 75 लोग अमीर है, 25 लोग गरीब है। जो पिछड़ा समाज है उसमें 33% लोग गरीब है, यानी जो पिछड़ा समाज है उसमें 33% लोग गरीब है। जो अति पिछड़ा EBC है वहाँ 33.58% जो लोग हैं वो गरीब है। अनुसूचित जाति से जो लोग हैं उसमें 42.70% गरीब लोग हैं, और जो अनुसूचित जनजाति से जो लोग हैं उसमें 42.70% लोग गरीब है। और जो अन्य जातियाँ हैं इन सभी के अलावा जो लोग हैं उन लोगों की बात किया जाए तो वो 23.72% गरीब है। अब आ जाते हैं जाति के नाम पर किस जाति में कितने गरीब लोग हैं। तो अब बताते हैं जो कायस्थ समाज के लोग हैं उसमें मात्र 13% लोग गरीब हैं। जो शेख समुदाय के लोग हैं, जो मुसलमानों में शेख समुदाय के लोग होते हैं, वो 25.84% गरीब है। जो पठान, जो खान होते हैं, सलमान खान की बात जो किया जाता है, पठान समाज के लोग 17.61% गरीब है। यानी शेख लोग से ज़्यादा अमीर पठान समाज के लोग हैं। तेली समाज के जो लोग हैं वो 29.87% गरीब है। मल्लाह जाति, मुकेश सहनी की बात किया जाए तो उनके जाति के लोग 34.56% लोग मात्र गरीब है, यानी 100 लोगों में 34 लोग ही गरीब है, बाकी लोग अमीर है। जो कानू समाज के लोग हैं वहाँ बात किया जाए तो 32.99% यानी 33% कानू समाज के लोग गरीब है। धानुक समाज के जो लोग हैं वो 34.35%, जो नूनिया समाज के लोग हैं वो 35.88% है, जो नाई कहा जाता है यानी कि हजाम कर्पूरी ठाकुर के जो समाज के लोग हैं वो 38.37% गरीब है। और उसके साथ जो बढ़ई जाति है, अभी हाल ही में राहुल गांधी बढ़ई समाज के पास गए थे तो बढ़ई समाज की बात किया जाए तो 27.71% गरीब लोग हैं। प्रजापति यानी कुम्हार, जो दिवाली का समय आ रहा है तो दिवाली में कुम्हार लोग के घर पे जो दिया आता है उन समाज की बात किया जाए तो 33.37% गरीब लोग है। अब आ जाते हैं जो और जातियां हैं उन लोगों के, जो दुसाध जाति के लोग यानी चिराग पासवान के बारे में बात किया जाए तो उनमें 39% गरीब लोग है, बाकी जो लोग है यानी हर 100 लोगों में से 39 लोग गरीब है, 61 लोग वहाँ अमीर है। और जो चमार जाति, मोची जाति से बात किया जाता है तो रविदास जाति के लोग 42% गरीब हैं। जो मुसहर जाति के लोग हैं यानी सबसे बड़ा अगर बिहार में कोई गरीब है तो मुसहर जाति के लोग हैं, जो जितना मांझी के समाज से आते हैं वे लोग सबसे ज़्यादा गरीब है। 54%, ध्यान से सुनिएगा, 54% केवल मुसहर जाति के लोग गरीब है। पान समाज के लोग हैं, पनहेरी जो पान समाज के लोग हैं जिन्हें सवासी पानर कहा जाता है, वो 36% गरीब है। पासी जाति के लोग यानी चौधरी जाति के जो लोग हैं वे लोग मात्र गरीब कितने हैं, पासी जाति के 38% जो लोग हैं वो गरीब है। धोबी जाति यानी रजक समाज से जो लोग आते हैं वो 35% गरीब है। जो भुइया समाज के लोग आते हैं, मुसहर समाज में ही भुइया समाज को जोड़ा जाता है, तो भुइया समाज के लोग 53%, यानी मुसहर समाज के लोग 54% और जो भुइया समाज के लोग हैं वो 53% गरीब है। जो चौपाल जाति के लोग आते हैं वो चौपाल जाति के लोग 39% गरीब है। यादव को लेकर के कहा जाता है कि यादव अमीर है, यादव हमेशा लड़ते रहता है, जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो यादव लड़ने के लिए तैयार रहता है। यादव लोग भी 35% गरीब है। कुशवाहा कोयरी की बात किया जाए तो 34%, कुर्मी की बात किया जाए तो 30%, बनिया का बात किया जाए तो मात्र 24%, ब्राह्मण की बात किया जाए तो 25%, भूमिहार की बात किया जाए तो 27% गरीब है, राजपूत की बात किया जाए तो 24% गरीब है, कायस्थ की बात किया जाए तो 13.83% है, शेख की बात किया जाए तो 25%
पठान की बात किया जाए तो 17 और तेली की बात किया जाए तो 39। ये हमने पहले थोड़ा सा ये तीन जाति के बारे में बताया था। तो ये आर्थिक रिपोर्ट आ चुका है और आर्थिक रिपोर्ट में ये बातें क्लियर हो गया कि इस बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब है, कोई जाति गरीब है, तो वो मुसहर समाज के लोग हैं। मुसहर समाज के उत्थान के लिए आए दिन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। मुसहर समाज के एक नेता भी हैं जीतन राम मांझी, जो पहले जब इनके साथ में थे, जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार के साथ में थे तो उस समय खूब उनका जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे, लेकिन अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो मौन रह रहे हैं। अब देखना है कि क्या मुसहर समाज के लोग जीतन राम मांझी के पास जाते हैं या नहीं। यादव समाज की जो 35% गरीब लोग हैं, उन लोग के कल्याण के लिए यादव समाज के जो नेता है वो तत्पर होते हैं कि नहीं। शेख समाज के जो लोग हैं वो 25% गरीब है और पठान लोग हैं वो 17% गरीब है। तो मुसलमानों में अगर बात की जाए तो अमीर कहा जाए तो पठान समाज के लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात जो स्वर्ण समाज में अमीर लोग की बात किया जाए तो स्वर्ण समाज में जो लाला होते हैं वे लोग सबसे ज़्यादा अमीर है। जो सिन्हा समाज अपने नाम के आगे सिन्हा लगाते हैं वे लोग सबसे ज़्यादा, श्रीवास्तव जी लोग सबसे ज़्यादा अमीर है। मात्र 13% उन लोगों में गरीब लोग हैं, यानी हर 100 लोगों में से 87 जो लोग हैं वो अमीर है। बाकी हमारा नाम केशव है, आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।